हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरे हाइड्रोलिक ज्ञान चैनल से आपको थोड़ा बहुत तो हाइड्रोलिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मैसेज वीडियो को लाइक भी करें। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नए नए वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ऑयल टैंक या रिजर्वायर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक 2D डायग्राम टैंक का बनाया हुआ है। यहाँ इसके सेंट्रल में एक बैफल प्लेट होता है। बैफल प्लेट हमारे टैंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक को रिटर्न चैम्बर बोलते हैं, एक को सक्शन चैम्बर। रिटर्न चैम्बर इसलिए क्योंकि हमारा रिटर्न ऑयल इसमें आ रहा है। सक्शन चैम्बर इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑयल सक होके हमारा पंप हो जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैफल प्लेट दिया क्यों है। सपोज यहाँ पे ये बैफल प्लेट नहीं रहेगा तो हमारा जो रिटर्न ऑयल है डायरेक्ट टैंक में गिरेगा और यहाँ पे बहुत सारे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएंगे। वो टर्बुलेंस के कारण यहाँ सक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बीच में थ्रो आउट प्लेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो भी ऑयल है यहाँ पे गिरेगा, टर्बुलेंस यहीं पे रहेगा। यहाँ का ऑयल धीरे से ये सक्शन चैम्बर में आराम से जाएगा, कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। और दूसरा ये कि हमारा जो ऑयल है उसका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो बैफल प्लेट का ये इम्पोर्टेंस रहता है। एयर ब्रीदर लगे होते हैं टैंक में, ऑयल आएगा टैंक में, यहाँ पे ओपन स्पेस का एयर बाहर जाने के लिए एयर ब्रीदर हो जाएगा। सक्शन स्ट्रेनर, जो हमारा सक्शन लाइन रहेगा पंप हो जाएगा, वो ऑयल फिल्टर होके जाएगा, सक्शन स्ट्रेनर रहेगा। ड्रेन प्लग लगा होता है ऑयल को ड्रेन करने के लिए। ऑयल लेवल इंडिकेटर, जो कि हमारा ऑयल लेवल को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर स्विच, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है विदिन लिमिट में हाइड्रोलिक ऑयल का। तो ये मेन मेन पार्ट हो गया। इसके अलावा भी मैन होल रहता है। मैन होल का पर्पस, एक बड़ा सा उसमें चैम्बर ओपन होगा जहाँ से आदमी अंदर घुस सकता है कभी इसका क्लीन करने का रिक्वायरमेंट हुआ तो। उसके लिए मैन होल हो गया। एक्सेस टू ऐड ऑयल या रिमूव ऑयल, हमारे सिस्टम में अगर ऑयल टॉपअप करना हुआ तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि इसमें ऑयल कहाँ से डालेंगे। निकालने की कभी ज़रूरत पड़ गया क्लीनिंग के लिए तो कहाँ से निकाल लेंगे। उसके लिए भी बहुत सारे टैपिंग रहते हैं यहाँ टैंक में। ऑयल क्लीनिंग इक्विपमेंट, अभी हमारा जो ऑयल है वो सिस्टम को ऑपरेट करता रहता है, उसमें कुछ भी मेटल आने के चांस रहते हैं, फेरस मेटल्स, वो सबको क्लीन करने के लिए भी हमारा टैंक से इक्विपमेंट कनेक्ट होता है, ऑयल क्लीन होता रहता है। ऑयल में अगर कहीं से थोड़ा बहुत वाटर इंटर हो गया तो भी उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी ये टैंक से ही कनेक्ट होता है, उसको वाटर क्लीनिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। ऑयल हीटर, हमारे अपने इंडिया में नहीं बट वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वहाँ पे टैंक के साथ हीटर भी कनेक्ट होता है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना उसके लिए ऑयल हीटर लगा होता है। तो ये ऑल अबाउट हाइड्रोलिक टैंक के बारे में बेसिक नॉलेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।